हेलो गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है कुसुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने आठ से नौ आलू ले लिया है और इसको हमने धो लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आलू हम कुकर में डाल देंगे। आलू में हम 2 कप पानी डालेंगे और इसको हम बंद करके 3 सीटी लगा लेंगे कम से करके। अब एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, आलू में ज़्यादा पानी नहीं पड़ता है। कुकर में आप जब भी आलू उबालो तो 1 कप पानी डालो या फिर 2 कप, क्योंकि कुकर में ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो चलिए गैस को ऑन कर देते हैं। तो जब तक हमारा आलू पक रहा है तो चलिए तब तक हम आटे को गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए, आटे को हमने छान लिया है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच नमक, ताकि जो हमारा आटे का टेस्ट ना वो अच्छा है। पानी डालेंगे, इसको आटे को हम गूंथेंगे। अगर आपको आटा गूंथने नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगी आटा कैसे गूंथा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग की वजह से गाइस मैं हिम्मत करके वीडियो बनाती हूँ। आप लोग मुझे सच में बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आगे भी ऐसे ही करते रहना। तो इसी तरह हम आटे को गूंथ लेंगे। तो ये देखिए, आलू हमारा पक चुका है, ये ठंडा हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आलू हमने 3 सीटी लगाया है। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से पका है, ना ही गला है ना ही ज़्यादा फटा है ये। तो देखिए, आलू हमारा ठंडा हो चुका है। आलू को हम छीलेंगे, एक एक करके आलू को हम इसी तरह छीलेंगे। तो ये देखिए, आलू हमने छील लिया है और यहाँ पे हमने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली हैं, साथ में 1 गट्ठर अदरक लिया है और यहाँ पे हमने 4 मिर्च ली है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने 1 प्याज काट लिया है, इसमें डालेंगे, साथ में 1 चम्मच अजवाइन, लहसुन अदरक, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालना। अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो आप मत डालना। अब इसको हम इसी तरह आलू को तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, चोखा हमारा बन चुका है। अजवाइन हमने इसलिए डाला है, एक तो पराठे में अच्छा टेस्ट आएगा, दूसरा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये देखिए, हमने इसी तरह पेड़ा बना लेना है और इसका चकला बना लेना है। तो चकला हमने बना लिया है, इस पर हम पहले रिफाइंड लगाएंगे पूरे चकले पे। और अब हम 1 चम्मच चोखा लेके इस पर भरेंगे इस तरह। आटे का मुंह अच्छे से बंद हो जाएगा और चोखा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तेल लगाने से पराठा हमारा अच्छे से फूलेगा। अब इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे और इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। थोड़ा सा और आटा लगाएंगे। इसी तरह हम सारे पराठे को अच्छे से बना लेंगे। तो ये देखिए, तवा हमारा गरम हो चुका है, इस पर हम डालेंगे पराठा। तो ये देखिए, दूसरी साइड का पक चुका है, इस पर हम तेल लगाएंगे। हो सके आप पराठे में ज़्यादा तेल लगाएं, इससे क्या है कि आपका पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा।
अब इसको हम दूसरे साइड पलट लेंगे, दूसरे साइड तेल लगाएंगे। इसी तरह करके एक एक पराठा हम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड लिया है, आप चाहो तो देसी घी ले सकते हो। देसी घी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हो सके तो आप गरम पराठा ही खिलाएं, ठंडा होने पे पराठे का टेस्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पराठा हमारा पक चुका है, इसको अब हम उतार लेंगे तवा पे से। तो तैयार है हमारा टेस्टी आलू का पराठा। ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।